तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ है जो उसका केमिस्ट्री का सैंपल पेपर है जो हरियाणा बोर्ड का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे कोड ए का। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका उत्तर होगा ए। बिकॉज दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के स्मॉल बी एम, या के बी है जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है। तो इसका उत्तर है ए। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन वन मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। तो इसके लिए 3 फैराड का चार्ज रिक्वायर होगा। 3 फैराड इसका 3F है जो इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, रोल ऑफ ए कैटेलाइस्ट इज टू चेंज, इसका राइट आंसर है ए, गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। इसमें जो है ए कैटेलिस्ट चेंजेस गिव्स एनर्जी of the reaction and equilibrium constant of the reaction, जो गिब्स एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो है डेल्टा कैपिटल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो, तो इसका राइट आंसर है ए, SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्ट्रॉन्ग बेस कैन एब्स्ट्रैक्ट एन अल्फा हाइड्रोजन, यानी एक प्रबल क्षार किसमें अल्फा हाइड्रोजन को पृथक कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोर्ड इन लीवर ऑफ एनिमल्स, यानी जो कौन से जानवर है जिनके लीवर में इनमें से क्या स्टोर्ड होता है। तो इसका राइट आंसर है डी, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन है जो एनिमल्स के लीवर में स्टोर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लिंकेज इज देयर इन एमाइलोपेक्टिन, तो इसका आंसर होगा एमाइलोपेक्टिन कंसिस्ट्स ऑफ अल्फा 1-4 लिंक्ड डी ग्लाइको
पायरेनोज लीनियर चेन्स दैट आर कनेक्टेड बाय अल्फा 126 ब्रांच लिंकेजेस अबाउट 5%. द मोलिक्यूल इज हाईली ब्रांच्ड एंड हैज ए मोलिकुलर साइज डीपी 106. इन सभी क्वेश्चंस को आप नोटबुक में जरूर नोट करते रहना. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो राइट होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन. इस रिएक्शंस की वीडियो को हमने कंप्लीट रिएक्शन को हम एक नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में सभी रिएक्शन की ट्रिक्स भी हम लेके आएंगे. नाइन्थ क्वेश्चन है जो है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन K3FCN6 4. द जो आंसर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन FeCN6 4 इज +2. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इंटरशियल कंपाउंड्स. यानी इंटरशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं. द कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन गेट ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स इज नोन एज इंटरशियल कंपाउंड्स. यानी ये छोटे कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन के जो किसी क्रिस्टल लैटिस में जो ट्रैप हो जाते हैं उन्हीं को हम इंटरशियल कंपाउंड्स कहते हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज सूडो फर्स्ट रिएक्शन. सूडो फर्स्ट रिएक्शन क्या है. सूडो फर्स्ट रिएक्शन द रिएक्शन दैट हैव हायर ऑर्डर ट्रू रेट लो बट आर फाउंड टू बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर कॉल्ड सूडो फर्स्ट रिएक्शन से. यानी ये वे रिएक्शन होती है जो हायर ऑर्डर ट्रू रेट शो करती है बट बिहेव है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का करती है इनको हम सूडो फर्स्ट रिएक्शन कहते हैं. एग्जांपल कंसीडर दी एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ए ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. इसका आंसर है स्कैंडियम है. स्कैंडियम डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड येट इट इज रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पेप्टाइड लिंकेज. पेप्टाइड लिंकेज इज एन अमाइड फॉर्म्ड बिटवीन ग्रुप एंड ग्रुप. प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वन एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ. हेनरी लॉ की मेजरली थ्री एप्लीकेशंस है. फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन है डिजॉल्वेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड. और सेकंड इसकी एप्लीकेशन है डिजॉल्वेशन ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक.
सेक्शन बी का जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई हैलोरेंस डज नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी हैलोरेंस क्यों शो नहीं करते न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द पार्शल डबल बॉन्ड क्लीवेज ऑफ ए हैलोरिन इज मोर डिफिकल्ट देन ए हेलो एल्केन, दस हैलोरिन्स कैन नॉट क्लीव्ड बाई न्यूक्लियोफाइल इजली एंड दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड ऑफ ईच पेयर शो हेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रोंगर, CH2, CH2CO2H, or CH3CHF CH2CO2H। इसका आंसर है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ ए फ्लोरिन एटम एंड एट बीटा पोजिशन देन एट वाई पोजिशन गामा पोजिशन, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ ए फ्लोरिन एटम एट बीटा पोजिशन देन एट गामा पोजिशन CH3CHF CH2CWH इज स्ट्रोंगर देन CH2FCH2CH2CWH, यानी माइनस आई इफेक्ट के कारण है जो ये जो सेकंड वाला जो है ज्यादा स्ट्रोंगर है फर्स्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो एक्सप्रेशन है वो है PI इज इक्वल टू IMRT, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की में लिक्विड का फ्लो होने को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लो फ्लो को। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में यूएपिक नेम्स पूछ रखे फॉलोइंग एलिमेंट्स के, फर्स्ट है CONH3, CONH3, 6CL3, नेक्स्ट है K3Fe C2O4 3 का, तो फर्स्ट का जो यूएपिक नेम है हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, बी का है जो यूएपिक नेम पोटेशियम ट्राइक्सैलोटोफेरेट 3। सिक्स्थ क्वेश्चन है, PKB ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइलामीन, इस आंसर है एनिलीन हैज हायर PKB देन मिथाइलामाइन बिकॉज मिथाइलामाइन इज मोर एसिडिक देन एनिलीन। सेकंड है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडलक्राफ्ट्स रिएक्शन ड्यू टू साल्ट फॉर्मेशन विद एल्यूमिनियम क्लोराइड विच इज यूज्ड एज लेविस एसिड कैटलिस्ट। सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट आर विटामिंस, विटामिंस है जो विटामिंस आर ए ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड फॉर नॉर्मल सेल फंक्शन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देर आर 13 एसेंशियल विटामिन्स है, इनमें से है कुछ विटामिन A, C, D, E, K, विटामिन B1 को थायमिन भी कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B3 को नायसिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन है, Why are Mn2 positive compounds are more stable than Fe2 positive towards +3 oxidation state? इसका आंसर है Mn2 positive compounds are more stable due to
हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल से एफी टू पॉजिटिव कंपाउंड्स आर कंपैरेटिवली लेस स्टेबल एज दे हैव सिक्स इलेक्ट्रॉन्स इन देयर थ्री डी ऑर्बिटल सो दे टेंड टू लूज वन इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट स्टेबल 3d5 कॉन्फिग्रेशन। नेक्स्ट दो टर्म्स पूछी गई है, हाफ लाइफ पीरियड एंड ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तो हाफ लाइफ पीरियड किसे कहते हैं, दी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन इज दी टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्टेंट टू रीच वन हाफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, 1, 2, 3 एंड इवन ए फंक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।